लिए कोई आदमी नहीं मिला यहाँ पर, कोई आदमी नहीं मिला। सब कुछ लिया गया, सब कुछ पहन आएगा घर में खाए के नहीं के इनका अनगर घर बर्तन को आके कमा के बैठारी सब दू हजार का महीना केव केव देता तो को के किया होता रही बाल बच्चे संग माने 2000 के कैसन का महीना मतलब कि घर बर्तन सब लोग का घर द्वार का कार करी अपने के मोले ली घर में के बच्चा मार करी लड़का सब बच्चे को पोछी। अच्छा को गो बेटा बेटी बाल अपने के हमरा दू गो बबी बबी बारी से दोनों कुमार बारी से जन्म हां हां एगो हमार बबुआ हित चिकी बाड़ा भागत रहनी गोड़ टूट गए फिर फिर के हम आइन घूम के लैकन के लेके फिर जामिया वर्ल्ड इंसाफ की आवाज। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड साथ में पब्लिक न्यूज। मैं इस वक्त हूँ बिहार के चंपारण बलथर गांव में। जैसे कि मैं लगातार आए दिन बता रहा था कि बलथर का हालात, बलथर गांव और आर्यनगर गांव का हालात लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। लोग काफी खौफ ज्यादा है और इसी बीच जानकी मुस्मात थी, एक तरह से उनके 5 साल पहले भी उनके बेटा एक तरह से मौत हो गई, उसके बाद से वो भी मुस्मात थी, किसी तरह अपने बहू के साथ घर पर रह रही थी। लेकिन इसी बीच रात को जिस तरह से पुलिस के खौफ से डर से किसी तरह से भागम भाग जी रहे हैं लोग, खास तौर पर रात को बताया जाता है कि जिस तरह से लोग खौफ में होते, खासतौर बुजुर्ग भी खौफ में होती हैं घर में। इसी बीच एक घर से दूसरे घर में जा रही थी उनका, इसी बीच पैर टूट गया। थोड़ा दिखाएं, थोड़ा देखिए, रात को इस तरह से कराया गया है, यहाँ पर एक्सरे कराया गया तो इसमें उनका पैर टूट गया। और एक तरह से मुस्मात थी, जानकी मुस्मात जो कि एक तरह से मुस्मात थी, उनकी उनकी पोतो भी मुस्मात है। तो हम जानते हैं, थोड़ा पीछे हैं, का इधर आए, इधर आप का भइल खो रात को, उनके क्या पैर टूट गई? भागत रही तो पैर टूट गई, केहू के कुछ निहार न रहे, पतो दू गो लैकन लेके अलग भागत रही। हाँ। उनका के छोड़ के सब भाग गई, खैला बिनु अउरी मरत रही। मतलब काहे भागत रात, पुलिस हरका लगावे तो? पुलिस हरका से भागत रही, जे के अब हमनी के देखी भागत रही, डर के मारे भाग गई। कितना उम्र होई लगभग? 60 बरस। अच्छा, तो अपने उनके पोतो हैं, अपने भी मुस्लिम? अच्छा, अच्छा, आप अपने उनके बेटी हैं उनके? बेटी दामाद। अच्छा, देखिए जानकी मुस्मात के ये दामाद हैं, उनकी बेटी हैं। अच्छा, ये बताइए आप घर पर थी कि अभी नहीं थी? आप भी मुस्मात हैं, उनके पोतो हैं, तो घर परिवार कैसे चल तलक हो? चल तरलक दुख से चल तरलक जानी। हाँ, भागत रहनी हम, हमार बबी भी है, बबी के लेके है, और बबी होदे भी है, दोनों बबी सन के लेके भागल जात रहनी जानी। हम अपना सास के मने छोड़ देनी, पाछे पंजे रह गए आई, हम अखन के लेके भाग, कोन से आन हमार बेटी ले ले। अच्छा, कब ले, कब शादी पड़ल बाद जानी, कब कोन महीना में लगभग? हम तो हम निकल दिन उतरा चाहे। हां, दिन उतरा तो बैसाख में कभी आज देख सुनो गल। अच्छा, ई तो बताओ तो मने काहे भागत रहनी तनी के बे? पुलिस कटोड़ है। अच्छा, पकड़ के बड़ी मार मारता है। हां, बड़ी मार के लेडीज आके मारता है? हां, लेडीज से मारता है, सब पुलिस मारता, पुलिस का डर है। अच्छा, तो देखिए ये भी बच्ची है, बताया जा रहा है एक तरह से दलित बस्ती है, दलित लोग रहते हैं, काफी जीविकोपार्जन के लिए रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन जो हालात है कहीं ना कहीं हृदय विदारक घटनाएं अब घट रही है। मैंने कहा था कि लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग तमाम जो हादसात हो रहे हैं, लोग डर खौफ के में हैं, किसी तरफ बच बचा छुप कर रह रहे हैं। इसी बीच पैर टूट गया, उसके बाद उस सदमे से मर गई जानकी मुस्मात। तो अपने बेटी हुई तो अपने तो अब तो एक तरह से माई तो चली गई, चल गई सब कुछ लिया गया, सब कुछ पहन आएगा घर में खाए के नहीं के इनका अनगर घर बर्तन को आके कमा के बैठारी सब दू हजार का महीना केव केव देता तो को के किया होता रही बाल बच्चे संग माने 2000 के कैसन का महीना मतलब कि घर बर्तन सब लोग का घर द्वार का कार करी अपने के मोले ली घर में के बच्चा मार करी लड़का सब बच्चे को पोछी। अच्छा, को गो बेटा बेटी बाड़ल अपने के? हमरा दू गो बबी बबी बाड़ी से, दोनों कुमार बाड़ी से जन्म। हां हां, एगो हमार बबुआ हित चिकी बाड़ा के ननु भा तो कमाए लायक नहीं, सबने कुछ
जोन कमा थोकबो तो अपने ही कमा थो यहाँ अच्छा तो बड़ा बड़ा, बड़ा दुख लगा सो यहाँ अपने के माँ भी चल गए अन्या बाबू पढ़े लो तू कमा लो काम नहीं कर सकबो अच्छा मैंने देखिए बच्चा है एक तरह से पढ़ भी नहीं करता है क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ पाता क्योंकि इसके घर में कोई मर्द कमाने वाला नहीं है और एक दादी थी इनकी वो भी आज दादी गुजर गई पुलिस के खौफ से जो घरों में रहना एक तरह से दुश्वार हो गई है लोगों को और तो अंतिम संस्कार तू के लो मुखाग्नि दादी की तो याद आई अच्छा दादी कुछ कुछ कहीं से कुछ कुछ ला तो दे लियो का दे लियो कुछ खाए के याद आई दादी के अच्छा देखो तो अब देखिए एक तरह से मुस्मात घर है कहीं नहीं इसमें इनके घर में कोई मर्द नहीं है ये छोटा एक बच्चा एक तरह से कह सकते हैं तो ये बच्चा है अभी है और ये घर में कमाने वाला कोई नहीं है अभी एक तरह से मुस्मात हो गई और जो मुस्मात जानकी थी वो भी एक तरह से उनकी मौत हो गई खौफ से और ये छोटी बच्चियां है लोग हैं एक तरह से इनका भी ब्याह शादी का दिन रखा जाने वाला है एक तरह से देखौका हो गया है लेकिन अब इसी बीच तो शादी ब्याह क्या ना हुई अच्छा एगो रलियो दादी मान के चलिए रहती थी इन बच्चे लोगों को तो एक तरह से घर के टाटी रलियो है अपने कहीं जगह माते नहीं हुआ तब तो घर छोड़ के घर दुआर सर सास देखत रलियो बैठल रलियो पहुँच जाए देखम तो घर रहे लड़की देखिए फिर के हम घूम के लैकन के लेके फिर अच्छा तो बताओ तब तो घर तू तना रहो तू तार तो ससुरा कहीं और है लेकिन केंग होल के अंतिम संस्कार लोग रलक हो कि केहू अपन भीख दै सब रलक और टोला में लोग का लोग बाहर से लो सारे को कहना इनको तो अंतिम संस्कार होलक अभी एक कफन के पैसा न रलक तो हम लिए नहीं तो कफन किन हम ये सब कुछ करा के सब ये पहलिए धैलिए हम सब पूछा ये हमर मालिक है हमर बेटा अन्य इधर आई तो मैंने अब इस तरह सामान्य हालात होता तो गांव के लोग मिलकर एक तरह से दाह संस्कार करते लेकिन अपने पहुनाई सही नहीं है तो सब पहले अपना गांव से पहुनाई बुला बुला अपना घर से बुला बुला सब पुलिस मारता भाग तो ये हालात है ये देखिए इनकी एक तरह से सास आज इनकी मौत हो गई और इनकी एक तरह से सास इनको भी कह सकते हैं और देखिए इनकी माँ थी एक माँ थी काफी कोई भी दुख होता है बेटी का दुख माँ से शेयर करती है अब उनकी मौत हो गई है और जिस तरह से अंतिम संस्कार करने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं बलथर और आर्य नगर के लोग काफी हृदय विदारक घटना है ऐसे भारत में जो कि हमारा देश अलग अलग संस्कृति का रहने सहने वाला है अगर किसी की मौत होती है तो अलग अलग रीति रिवाज से उसे अंतिम संस्कार या दफन करते हैं तो वो भी अब एक तरह से अच्छी तरह से सुलभ नहीं हो पा रहा है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है केवल जो हालात पैदा हुआ है जो सामान्य जिंदगी आर्यनगर में नहीं है इसी वजह से ये घटना घट रही है तो बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड साथ में पब्लिक न्यूज में हम तस्लीम ब्यार के चंपारण बलथर गांव से।